स्वागत है इंडियन बिहारी चाइनीज चैनल पे। हमारे साथ यहाँ पे कुछ पाकिस्तान से आए हुए अच्छे अच्छे चेहरे दिखाई दे रहे हैं। चलिए इनसे थोड़े से बात करते हैं। ये मैडम यहाँ पे नाइला बहुत ही सुंदर दिख रही है, हैप्पी बर्थडे है। तो ये अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए हमारे इस इंडियन रेस्टोरेंट में आए हैं। चलिए इन सबसे कुछ कुछ बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में, या फिर ये अगर इंडिया के बारे में क्या क्या जानते हैं वो भी हम सब थोड़ा सा गप सप करते हैं। नायला जी को सबसे पहले हैप्पी बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा लगा कि आप हमारे रेस्टोरेंट में आए और अपने बर्थडे को सेलिब्रेशन किए, और मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से खाना खाया है। खाना पसंद आया? अच्छा था, और हम आगे भी आएंगे और हम इंजॉय करेंगे। चलिए धन्यवाद। मैं आपसे सबसे पहला यह सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में कहाँ से हुए आप? मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूँ। वाह, तो हमारे बिहार वाले या फिर इंडिया वाले लोग सब जो भी समझ रहे हैं कि नायला जी कहाँ से है कमेंट में लिखे, और यहाँ पे भी कुछ हैंडसम चेहरे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग सब उधर चले गए हैं, वो सब शायद मेरे ख्याल से कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हम सब जो लोग सब बहुत एक्टिव है उनसे थोड़ा बात करते हैं। आप कहाँ से हुए? बहुत हैंडसम दिखाई दे रहे हैं सच में। तो कुछ क्या मतलब चाइनीज गर्लफ्रेंड सब बनी या फिर? नहीं, नहीं, कोई भी नहीं, हम सिंगल ही हैं। तो अरे मैंने देखिए एक चाइनीज को लेकर के इंडिया चला गया था। आप इतने हैंडसम हैं, आपको तो चाचा मिलने चाहिए क्या? कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा। उन्होंने नहीं बोला कुछ होगा, ये शायद कैमरा पे नहीं बोल रहे, लेकिन जरूर कुछ होगा क्या? अच्छा अच्छा, कहाँ से हुए आप पाकिस्तान में? पाकिस्तान बलूचिस्तान से। अरे आज हमारी सिस्टर की बर्थडे थी, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए आपके रेस्टोरेंट में आए हम। तो हमें खाना बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि हम पाकिस्तान में। पाकिस्तान और हमारे भारत, इंडिया, हिंदुस्तान सब तो सेम ही है। हम तो समझते हैं कि वी आर वन फैमिली। और इधर फिर हम और भी बात करते हैं, अच्छे अच्छे चेहरे दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ से हुए सर? तो मैं भी मतलब सेम एरिया से, गिलगित से हूँ। तो आज हम हमारे फ्रेंड की बर्थडे थी इसलिए आए थे। अच्छा, तो मेरा ये पैगाम ये है कि दोनों तरफ हम भाई हैं, किसी किसी में कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ जो मसला है हमारी सरकारों का है, तो इस तरफ उस तरफ दोनों तरफ के लोग आपस में मतलब क्या कि पॉलिटिकल इशू है, उससे हम सबको नहीं पढ़ना है। आम आदमी जो है वो सारे लोग पाकिस्तानी जितने भी है वो इंडिया को पसंद करते हैं। इंडियन जितने भी आम आदमी है वो पाकिस्तान को भी पसंद करते हैं। वो बाकी खाना आपको बहुत ही अच्छा था, पाकिस्तानी टेस्ट आ रहा था। वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम इमरान हुसैन। वाह इमरान जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। इधर भी हमारे पास और भी बहुत ही अच्छे अच्छे चेहरे दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू राजेश भाई, सबसे पहले बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे हमें घर जैसा माहौल दे दिया। चाइना में हम कब से कोशिश कर रहे थे कि हम घर वाला खाना कहीं पे चाइना रेस्टोरेंट में जाके टेस्ट करें, लेकिन हमें इस तरह का खाने नहीं मिल रहे थे। चाइनीज खाने मिल रहे थे जो कि हम नहीं खा सकते। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम इन चाइना, स्पेशली हमारे इस प्रोविंस में बोडिंग में, आपने हमें एक घर जैसा माहौल दे दिया। आप यहाँ पे आके अपनी खुशियाँ बांटेंगे। चलिए धन्यवाद धन्यवाद। पाकिस्तान में कहाँ से हुए हैं? मैं पाकिस्तान से, खूबसूरत जो पाकिस्तान का एक पहाड़ी इलाका है गिलगित बल्तिस्तान, जो कि पांचवा सूबा कंसीडर करते हैं पाकिस्तान, उस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ। तो आज हम आए थे हमारी सिटी से नियर टू इंडियन बॉर्डर लद्दाख। और लद्दाख, वाव, लद्दाख इज द पार्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान बिफोर 1973 और 1965 सेपरेटेड एंड 1999 वॉर। ओह वाव, चलिए मुझे भी कुछ जानकारी मिली। नियर चाइना बॉर्डर, नियर इंडिया बॉर्डर। ओके गुड गुड गुड। और हमारे पास एक और भी चेहरे दिख रहे हैं अच्छे वाले चेहरे। मेरा नाम आमिर सहेल है और मैं खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करता हूँ, पाकिस्तान के, जो पठान बोलते हैं ना, पठान। एग्जैक्टली, मैं पठान हूँ। ओह, आपके नाम क्या हुए? आमिर सोहेल। आमिर सोहेल, नाम भी बहुत ही अच्छे हैं। कुछ लग रहा है कि वो एक्टर वाले जो नाम होते हैं ना, उसमें पाकिस्तानी पाकिस्तानी क्रिकेटर था पहले आमिर सोहेल, पाकिस्तान का कप्तान भी हुआ करता था, तो जो कि इंडिया के साथ जाके बहुत अच्छा मुकाबला करता था खेलने में। मैं दो तीन दिन पहले मिर्जापुर देख रहा था, तो उसमें बिहार का नाम। मिर्जापुर और बिहार, मेरे घर वाले जगह। आपके बॉय से मैंने बात की, मैंने कहा कहाँ से, उसने कहा बिहार से, मैंने कहा हाँ मिर्जापुर देखी है आपने। चलिए चलिए, हमारे साथ एक और ये भी है। यस ब्रो, वेयर आर यू फ्रॉम? अमेरिका। अमेरिका, यू लाइक इंडियन फूड? हाँ यस।
Your first time Indian food or before you? All the time. Wow, very good. अच्छा, तो ये बताइए कि आप लोग जो यहाँ पे हैं इतने सारे पाकिस्तान से खूबसूरत खूबसूरत थोड़े उधर भी चेहरे दिखाई दे रहे, चेहरे नहीं दिखाई दे रहे हैं, मतलब खूबसूरत लोग हैं। हाँ हाँ, तो आप लोग यहाँ चाइना में जो है ये क्या करते हैं? हम लोग खैबर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हैं, सारे हमारे जितने भी कलीग से यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है खैबर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हबे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यस हबे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंग्लिश में, और चाइनीज में खैबर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो हम सारे यहाँ पे डॉक्टर स्टूडेंट से पीएचडी हॉर्टिकल्चर, पीएचडी फूड साइंस, पीएचडी बायोकेमिस्ट्री के तमाम जितने भी यहाँ पे कलीग्स हैं, हम सारे डॉक्टर्स के स्टूडेंट्स हैं। और हम तो आप लोग तो बहुत यंग लग रहा है, हम सबके दिमाग में चल रहा है कि जो पीएचडी वाले लोग होते हैं वो सब थोड़े एजेड रहते हैं क्या, पढ़ाई में पूरे लगे हुए रहते हैं। आप सबका मेजर क्या हुआ यहाँ पे? मैडम से बात करते हैं थोड़ा। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर ये मतलब क्या चीज से रिलेटेड, थोड़ा कुछ और इसको? फ्रूट क्रॉप्स, वेजिटेबल्स और जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करना और उनकी ग्रोथ के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में। वाह, तो अच्छा ये बताइए कि चाइना में आते हुए आप सबको कितना समय हो गया है? एक साल हुआ है तकरीबन हम सब, एक साल। लेकिन इधर मैं शायद इनसे बात कर रहा था अभी, ये बहुत लंबे समय से है, 5 साल हो गए हैं। वाह, इतना लंबा समय चाइना, कैसा लग रहा है? अच्छा है, सुंदर है। इंडिया पाकिस्तान हम दोनों ऐसे कंट्रीज हैं जो एग्रीकल्चर के क्रिकेट के वक्त इकट्ठे होते हैं। हाँ, क्रिकेट के वक्त इकट्ठे होते हैं, सही। क्रिकेट पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तब इकट्ठे होते हैं। बहुत टीवी भी फूटते हैं उस समय में क्या? मैं खुद लास्ट टाइम ये जो अभी क्या था वर्ल्ड का, रो रो के पागल हो गया, पाकिस्तान टीम को गालियां दे दे के थक गया मैं। एक मीम्स बहुत ही वायरल हुए थे, वो आपको याद है? वो वाले मीम्स अगर कोई अगर उसकी कॉपी कर सके आप सोचते हैं। इंडिया पे मैंने दाव लगाया था, इंडिया भी हार गया। आखिर तक सही कह रहा, फाइनल में आके हवा निकल गई। मोहम्मद शमी को देखो, रोहित शर्मा भी तक समय से बाहर ही नहीं आ रहा, इंडिया को सपोर्ट करता था पर आखिर में वो मुझे जो है ना खुश हो गई। देखिए, इंडिया को सपोर्ट करने वाले लोग पाकिस्तान में भी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडियन लोग कुछ सीखें। नहीं, इस तरह ये है ना कि मतलब जिस तरह हमारे भाई ने बता दिया कि पॉलिटिकल इश्यूज है हम हमारे दोनों कंट्रीज के आपस में, लेकिन जो लोग है वो आपस में बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। काम से उससे मतलब नहीं है, हम सब आम लोग जो है वो सब भाईचारे से रहे भाई क्या? हम भाई ब्रदरहुड का हम मैसेज देते हैं पाकिस्तान। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि जाता है मैच के लिए, इंडिया के मैच के लिए पाकिस्तान इंडिया का समय हो अल्लाह, सुबह से शाम तक यहीं बस टीवी के सामने। हम इवन छुट्टी करते हैं, क्लास ज्वाइन नहीं करते, जाके इंडिया पाकिस्तान मैच देखते हैं, तो एक्साइटेड होते हैं, बहुत खुशी होती है हमें जब इंडिया। उम्मीद करते हैं कि हमारे पाकिस्तान के टीम और इंडिया के टीम बहुत ही बेहतर खेले, इसलिए ना हम ये नहीं देखते, क्रिकेट को पता ही नहीं मैं एक बार भी देखता है। बेसिकली ये चीज नहीं है ना, क्रिकेट एक हमारा आपस में करीब करता है, इससे ये नहीं फर्क पड़ता कि ये पाकिस्तानी इंडियन है, जो अच्छा खेलता है जो प्रोफेशनल खेलता है हम उसको जरूर। अच्छा, इंडियन क्रिकेट टीम में आप सबका फेवरेट कोई प्लेयर जिसे? विराट कोहली मेरे भी फेवरेट, कोहली। अगर कोहली जी के पास ये वीडियो पहुंच जाए तो प्लीज। हो गया वो शार्दुल ठाकुर हो गया, ये तो अभी नए बच्चे आए ना। हाँ हाँ, रोहित शर्मा ये चलो ठीक है, रोहित शर्मा थोड़े ठीक है। बाकी वो मुझे बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह मुझे बहुत पसंद। बुमराह अगर बुमराह जी देख रहे हैं तो बूम बूम बुमराह के यॉर्कर्स मुझे बहुत पसंद है। कुलदीप यादव स्पिनर वो भी अच्छा है। पाकिस्तानी टीम में आपको कौन सा फेवरेट प्लेयर है? आपको कौन से अच्छे? पाकिस्तान टीम का कौन सा फेवरेट प्लेयर आपको पसंद है? पाकिस्तान टीम का? पाकिस्तान टीम में अगर पुराने में अगर बोलिए तो मैं इजमामुल हक को सच में बहुत ही पसंद करता था। रिसेंट में तो थोड़ा मुझे बाबर पसंद आया था। हाँ, बाबर पसंद आया था, लेकिन फिर बाद में वो थोड़ा गड़बड़ करने लगा तो मैं वो प्लेयर आप देखे ना, एक टाइम ऐसा आया था विराट कोहली के ऊपर भी यही आया था कि वो स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन फॉर्म आ जाती है, फॉर्म में वही तो होती है। हम सब जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, ऑडियंस होते हैं, अगर अच्छे खेले तो हम सब बहुत खुश होते हैं, अगर अच्छे नहीं खेलते तो गाली देते हैं क्या? चलिए, हम सब वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप सारे लोगों को पसंद आया होगा चाइना में रहते हुए हमारे इंडिया से और पाकिस्तान से
जितने भी लोग हैं बोथ कंट्रीज हुआ, तो हम सब सारे लोग एक बार जोर से बोले पाकिस्तान को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप बताएं। पाकिस्तान को यही मैसेज देना चाहते हैं कि खुश रहे, आवाज रहे, जो आप बोल रहे हैं वो फूले, हाँ हाँ, वो सारी आप सबकी मनोकामना पूरी, वो भी ठीक है, हम बोल रहे हैं वो भी ठीक है, हाँ हाँ हाँ। तो हम सब साथ में एक बार बोल दे कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, देश के सब खुश रहो अपने अपने खर्चे पे, हाँ हाँ हाँ, सही 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 सही, भी अपने खर्चे पे खुश रहे हिंदुस्तान। चलिए चलिए, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, हाँ हाँ हाँ। पाकिस्तान के लोग ऐसे भी बहुत सुंदर होते हैं, हाँ हाँ हाँ, दिल से भी होते हैं, शकल से भी होते हैं, ठीक है, इतने अच्छे अच्छे से चेहरे तो दिखाई। पाकिस्तान का लड़की है, सारा सुंदर है ना, ये पाकिस्तान का लड़का है, कैसा लग रहा है, सब सब हैंडसम है, स्मार्ट है, क्या बहुत ही सुंदर लग रहा है, क्या आप बहुत पीछे पीछे है, थोड़ा आप भी आइए, नजदीक आ जाइए, क्या हाँ हाँ, कुछ बताइए इंडिया के बारे में, क्या जानते हैं आप, थोड़ा बतलाइए। इंडिया के बारे में काफी कुछ जानते हैं, हम मूवीज वगैरह देखते रहते हैं। ओ, इंडियन मूवी देखते हैं, कौन से एक्टर पसंद है? काफी अच्छे लगते हैं, शाहरुख खान अच्छे लगते हैं, शाहरुख खान, हाँ जी, सलमान खान, सलमान खान बहुत अच्छे लगते हैं। वाह, वो जो पोज है शाहरुख खान वाले, वाह बहुत ही अच्छा।